चलता है ये आयोजन। मकर संक्रांति का महीना गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है। शैक्षणिक रूप से सतत विकास के दृष्टिगत महंत अवैधनाथ जी का योगदान भी अविस्मरणीय है। गोरखपुर की मिट्टी और गौतम बुद्ध का संबंध अटूट है। यहाँ से मात्र 52 किलोमीटर दूर पूर्व में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की ये राजधानी थी और कुशावती कहलाती थी। यहीं पर सालवन में महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे मूल्यों का प्रचार किया। वर्तमान में विश्व स्तर पर मानव मात्र की समानता के जो स्वर सुनाई देते हैं, उनका शंखनाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने ही तो किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर विशाल स्तूप के अवशेष आदि कवि संत कबीर ने अपनी सीधी सरल कविताओं से समस्त विश्व पर छाप छोड़ी। गोरखपुर शहर से पश्चिम दिशा में 29 किलोमीटर दूर आमी नदी के तट पर स्थित मगहर संत कबीर का समाधि स्थल है। संत कबीर ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों को सद्भावना का मार्ग दिखाया। उनकी समाधि पर मंदिर एवं मस्जिद का एक साथ होना कबीर की धार्मिक सद्भावना और समन्वयवादी सोच का प्रतीक है। गोरखपुर के ऐतिहासिक इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1795-96 में कराया। इसमें सूफी संत रोशन अली शाह की धुनी आज भी मौजूद है। यहाँ सोने, चांदी और अष्ट धातु दिए मौजूद हैं, जो नवाब ने रोशन साहब को भेंट दिए थे। गोरखपुर
1857 की क्रांति में अमर शहीद बंधु सिंह जी की फांसी, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, दोहरिया कला में किसानों की फांसी जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। अमर शहीद बंधु सिंह जी द्वारा स्थापित माँ की पिंडी तरकुलहा देवी आज भी जन जन में पूजनीय है। जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, जिसकी कविताओं पर देश झूमता था, जो मैनपुरी साजिश और काकोरी कांड के लिए प्रख्यात थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल यही गोरखपुर में ही शहीद हुए थे। गोरखपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां चार चार शहीद स्मारक हैं। शहीद बंधु सिंह, चौरी चौरा, बिस्मिल स्मारक और दोहरिया कला।
इसके प्रदूषण एवं अतिक्रमण को रोकने के लिए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष प्रयास किए। 2010 में रामगढ़ ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण की योजना स्वीकृत हुई। इसके अंतर्गत कई सुधार और निर्माण किए गए। इनमें 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 3.7 किलोमीटर लंबे बंधे पर्यावरणीय ड्रेजिंग डीवीडिंग और वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिससे रामगढ़ ताल के जल गुणवत्ता एवं वातावरण में निरंतर सुधार होने के उपरांत आज ये आपके सैर सपाटे प्रातःकालीन योग एवं पर्यटन के योग्य बना है। किंतु आज भी कुछ पढ़े लिखे लोग इसके आसपास कूड़ा कचरा डालकर ताल की शोभा बिगाड़ रहे हैं। ये ताल आपकी धरोहर है, इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने गोरखपुर की मिट्टी ने आज आप सबको गर्व का आभास कराया है, आइए हमने प्रण लें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इस मिट्टी का ऋण चुकाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। शिव के